नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आप देख वाल्मीकि समय। मैं आपका दोस्त श्याम आज आप लोगों को सीताफल के बहुत असीमित अद्भुत फायदों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देख के जाना, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते थे कि जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले उसे ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और अपने जीवन में अपना लो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बेकार नहीं जाएगा, इसको पूरा देख के ही जाना, क्योंकि अगर 5-10 मिनट नष्ट कर देते हो तो किसी ज्ञान के लिए नष्ट करते हो। अगर आप 5-10 मिनट लगा करके इस वीडियो को आपने आज पूरा देख लिया तो सीताफल के अद्भुत असीमित फायदों के बारे में आप जान जाओगे और आपको वो ज्ञान जिंदगी भर काम आएगी। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, और हो सके तो वीडियो को देखते देखते लाइक बटन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों मैं सीताफल के बारे में आज आप लोगों को जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सत्य है और आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों इस सीताफल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों इस सीताफल को कस्टर्ड एप्पल और शरीफा भी कहते हैं। दोस्तों जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो माता सीता ने अपना प्रिय फल बताते हुए इस सीताफल को श्री रामचंद्र जी को भेंट किया था। तब से पूरे भारतवर्ष में इस फल को सीताफल के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह सीताफल अपनी प्रकृति में ठंडा है, ठंडे तासीर का है। यह अक्टूबर नवंबर में पेड़ों पर ही पक जाता है। अगर आप इसको तोड़कर पकाना चाहो तो भी पक जाता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे गुण हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है। अगर आप लगातार 15 दिन इसका सेवन करते हो तो आपका चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा। अगर आपको कभी सर्दी जुकाम है तो इस फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम ठंड के कारण होता है और यह फल का प्रकृति भी ठंडा है, इसलिए सर्दी जुकाम में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, कील मुहासे, पिंपल इन सब से परेशान हो चुके हो, आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लगातार 15 दिनों तक सीताफल का सेवन कीजिए और रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाइए, चेहरे पे लगा के सुबह तक लगा रहने दीजिए, उसको सुबह धो लीजिए। उसके बाद लगातार ऐसे ही कीजिए 15 दिनों तक, हर दिन एक सीताफल खाइए और रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाइए। इससे दोस्तों आपको 15 दिन में आपके सारे गायब हो जाएंगे, चेहरे से झुर्रियां, दाग खत्म हो जाएगी, चेहरे पे कांतिमय ग्लो आने लगेगा और चेहरा साफ सुथरा स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों तो आप बिल्कुल इस प्रयोग को करके देख सकते हो, यह आजमाया हुआ तरीका है। दोस्तों अभी मौका है, क्योंकि अभी सीताफल मिल रहा है। सीताफल खाने के साथ साथ आपको एलोवेरा जेल अवश्य लगाना चाहिए और लगाने पर ही आपको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी है, वजन में कमी है, आपके शरीर दुबले पतले हैं तो आप नित्य प्रतिदिन सीताफल का सेवन कीजिए। आपकी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी, खून की कमी दूर हो जाएगी, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों आप सीताफल का प्रयोग करके अपनी सारी कमजोरी भगा सकते हैं। दोस्तों इस सीताफल को अगर गर्भवती महिला को खिलाया जाए तो उनके पेट में पल रहे बच्चे को संपूर्ण पोषक तत्व मिलता है, उनके बच्चे के विकास में संपूर्ण वृद्धि होती है। दोस्तों तो आप भी बिल्कुल इस सीताफल का उपयोग अपने घर में माता बहनें जो भी हैं गर्भवती महिला उनको खिलाइए और अपने सुंदर स्वस्थ बच्चे की कामना कीजिए। दोस्तों किसी के पेट में अगर अल्सर है यानी कि पेट में उसका घाव है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप नित्य प्रतिदिन सीताफल का सेवन करा के उसका अल्सर को ठीक कर सकते हो। अगर हर दिन इसका सेवन करेगा सीताफल का तो उसका अल्सर भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को सीताफल के बीजों के अद्भुत फायदे बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी बाल की कोई भी समस्या है, बाल काले नहीं हैं, भूरे हैं, झड़ रहे हैं, बाल में रूसी है, डैंड्रफ है, बाल पतले हैं, लंबे नहीं हैं, तो इन सब की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सीताफल के बीजों को सुखा करके उसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद दोस्तों आप बकरी के दूध में या फिर गाय के दूध में उस चूर्ण को मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों अपने बालों में उसको रगड़ रगड़ के लगाइए, मलिए अच्छे से, और बालों में लगाने के बाद उसको लगा रहने दें आधा घंटे तक लगा रहने दें, उसमें सूखने दें पूरी तरह से। उसको सूखने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से धो लीजिए बाल को। इस तरह से आप हर दिन किया कीजिए, आपको सप्ताह दिन के अंदर में फर्क पता चल जाएगा। आपके बाल पुनः काले, पुनः लंबे, पुनः मुलायम कांतिमय हो जाएंगे। आपके चमकदार बाल अच्छे से दिखने लगेंगे। आपके बालों की जो भी समस्या रहेगी वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों तो आप इसका प्रयोग अवश्य करके देखें और अपने जीवन में बालों की जो भी समस्या है उससे छुटकारा पाएं। दोस्तों जो सीताफल के बीजों का चूर्ण बना करके उसमें गाय का दूध मिला करके पेस्ट बना करके बालों में लगाओगे
तो उसको लगाते समय ध्यान देना कि आंखों में ना जाने पाए, आंखों के लिए नुकसानकारक हो सकता है दोस्तों, बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। लगाते समय आंखों में उसका पेस्ट ना जाने पाए, आंख को बचा करके बालों पे लगाना है आपको, क्योंकि आंखों के लिए नुकसानकारक हो सकता है। दोस्तों मैं जाते जाते आप लोगों को सीताफल के पत्तों के फायदे बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी कहीं भी चोट मोट जख्म लग जाता है, वहाँ पे सूज जाता है, तो सूजन मिटाने के लिए सीताफल के पत्तों को पीस करके उसमें लेप लगाने से वो सूजन खत्म हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इसके अलावा किसी शराबी को शराब का नशा ज़्यादा हो चुका है, शराब में धुत हो चुका है, उसके शराब के नशे कम करना है, नशे उतारना है, तो इस सीताफल के पत्तों का रस निकाल करके इसका रस जो है उसके नाक में डालिए 2-4 बूंद, उसका नशा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, उसका नशा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इनके पत्तों का भी फायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल में जुड़ जाना दोस्तों। अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की जानकारी की तो उसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।